हे गाइस वेलकम बैक और एक नए वीडियो में। दोस्तों Realme 7 Pro डिवाइस के लिए और एक गुड न्यूज आ चुका है। तो गाइस बहुत दिनों के बाद Realme 7 Pro डिवाइस के लिए Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का सेकेंड ट्रायल वर्सन रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आज हम इस वीडियो में इसका फुल डिटेल्स रिव्यू देने वाला हूँ। और अभी तक आपका डिवाइस में ये अपडेट रोल आउट नहीं किया गया है, कब तक आपका डिवाइस में ये अपडेट देखने को मिलेगा OTP के थ्रू, सब कुछ बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इसका फुल चेंज लॉग क्या है, इसके साथ आपको क्या कुछ न्यू फंक्शन देखने को मिला है, कौन सा मेजर बग फिक्स किया जा रहा है। तो गाइस चलते हैं आज की वीडियो के तरफ। फिलहाल यहाँ पे देखिए Realme UI 3.0 वर्जन अप टू डेट, यहाँ पे देखिए गाइस बीटा वर्जन लिखा हुआ है, मतलब ये बीटा अपडेट है, स्टेबल अपडेट नहीं है। और उसके नीचे आप देखिए वर्जन अप टू डेट Android 12 RMX नंबर पे, यहाँ पे आप देख लीजिए RMX 2170 Realme 7 Pro डिवाइस का RMX नंबर है। और गाइस इस अपडेट के साथ जो वर्जन रोल आउट किया जा रहा है वो है 8.11 और इसका साइज था लगभग 5.0 समथिंग GB का, मतलब फुल रोम रोल आउट किया जा रहा है। तो गाइस अभी तक आपका डिवाइस में अपडेट रोल आउट नहीं किया गया है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी कुछ सिलेक्टेड यूजर के लिए रोल आउट किया जा रहा है, एक तो या फिर दो तीन यूजर के लिए, तो आपका डिवाइस के लिए भी बहुत ही जल्द अपडेट रोल आउट किया। और गाइस इसका जो चेंज लॉक है आपको बेसिक चेंज लॉक देखने को मिल जाएगा, जो Realme UI 3.0 का बेसिक चेंज लॉक है वही आपको इस अपडेट के साथ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए इसका जो चेंज लॉक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिल जाएगा न्यू डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे कस्टमाइज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, गेम में आपको कुछ चेंज देखने को मिल जाएगा, कैमरा इंटरफेस आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, सिस्टम को यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे में आपको बहुत सारे बग को यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है, जो बेसिक चेंज आपको वही देखने को मिल जाएगा। तो गाइस एक एक करके सब कुछ टेस्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे इस अपडेट के बाद आपको क्या कुछ न्यू फंक्शन देखने को मिल जाएगा, कौन सा मेजर बग फिक्स किया जा रहा है। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए अगर आपके पास एक Realme 7 Pro डिवाइस है। दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद आपको इतना ज्यादा लैगिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा, डिवाइस यहाँ पे देखिए गाइस ठीक ठाक रन हो रहा है, मुझे अभी तक कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है, बहुत ही स्मूथली यहाँ पे रन हो रहा है, इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा इस अपडेट करने के बाद। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए बहुत सारे यूजर ने मुझे कमेंट किया था जब भाई ऐप ओपनिंग या क्लोजिंग में थोड़ा सा क्रैशिंग इशू देखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस देखिए इस अपडेट के बाद आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। देखिए गाइस डिवाइस अच्छी तरह से पे रन हो रहा है, एबा देखिए ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग पे यहाँ पे अच्छा ठीक ठाक हो रहा है, कोई भी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिला है अभी तक। उसके साथ साथ दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद जो सिस्टम एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट हुआ या फिर नहीं उसका वर्जन भी फिलहाल यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं थीम स्टोर की तरफ, तो गाइस यहाँ पे चलते हैं थीम स्टोर ऐप इनफो। गाइस देखिए अपडेट के जो थीम स्टोर का वर्जन है 8.1.5 ये भी आपको थोड़ा सा पुराना वर्जन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना चाहते हो थीम स्टोर को, तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल Realme Oppo सिस्टम एप्लीकेशन अपडेटर को ज्वाइन हो जाओ, आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ, वहां पे आपको लेटेस्ट वर्जन का सिस्टम एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इसको अपडेट कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए जो फोन मैनेजर है उसका वर्जन भी फिलहाल यहां पे चेक करके देख लेते हैं। गाइस उसका वर्जन देखिए यहां पे 12.7.0 आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों जो गेम स्पेस से उसका वर्जन भी फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइस कहा गया गेम स्पेस तो ये रहा गाइस, तो गेम स्पेस का वर्जन भी आप यहाँ पे देख लीजिए इस अपडेट के बाद गेम स्पेस का वर्जन है 6.1.14 ये भी आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपका डिवाइस में इसका भी कोई डाउन वर्जन है तो आप सिस्टम एप्लीकेशन अपडेटर चैनल को ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आपको इसका लेटेस्ट वर्जन का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों Realme 7 Pro डिवाइस में जो 8.10 वाला अपडेट आया था वहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था कैमरा के शटर स्पीड के रिगार्डिंग, कैमरा के फोटो क्वालिटी के रिगार्डिंग, तो बहुत सारे यूजर ने मुझे टेलीग्राम में मैसेज किया। तो गाइस देखिए इस अपडेट के बाद कैमरा का आपका जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है, आप यहाँ पे देख लीजिए जो शटर स्पीड है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख लीजिए जस्ट टच करने के बाद ही यहाँ पे फोटो क्लिक हो जा रहा है। तो शटर स्पीड का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है, तो फोटो का क्वालिटी भी आप यहाँ पे देख लीजिए, तो फोटो का क्वालिटी भी आप यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे फोटो खींच दे रहा है, आप यहाँ पे देखिए एज डिटेक्शन भी बहुत ही अच्छा है, तो फोटो का क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक देखने को मिला है। और कैमरा का जो लैगिंग इशू था वो भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है, आप देखिए कैमरा यहाँ पे लैग नहीं हो रहा है, अलग अलग मोड में यहाँ पे स्विच हो रहा है, कोई भी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिला है कैमरा में। तो कैमरा का
जो इशू था कैमरे का, जो प्रॉब्लम था शटर स्पीड के रिगार्डिंग, कैमरे का फोटो क्वालिटी के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है इस अपडेट के बाद। दोस्तों रियलमी वाई 3.0 अपडेट के बाद रियलमी का सभी डिवाइस में एक और मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, वॉल्टी के रिगार्डिंग, वॉल्टी कॉल के रिगार्डिंग। कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जा रहा, वॉल्टी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आउट हो जा रहा है। लेकिन गाइस इस अपडेट के बाद रियलमी 7 प्रो डिवाइस में वॉल्टी के रिगार्डिंग जो भी इशू था वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। आपको वॉल्टी यहाँ पे अच्छी तरह से काम कर रहा है और कॉल ड्रॉप का भी इशू मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। और गाइस इसके साथ साथ कॉल ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्कनेक्ट का भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो अपडेट आया है ये सच में एक अच्छा अपडेट है। इसके साथ साथ जो कॉल डिस्कनेक्ट का जो प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो गाइस अगर आपका डिवाइस में ये अपडेट रिसीव हो चुका है और अगर वॉल्टी के रिगार्डिंग आपके डिवाइस में पहले प्रॉब्लम था तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इस अपडेट को करने के बाद वो फिक्स हुआ या फिर नहीं। तो मेरा डिवाइस में वो बिल्कुल या फिर फिक्स हो चुका है, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है वॉल्टी कॉल के रिगार्डिंग इस अपडेट को करने के साथ साथ। इस अपडेट को करने के बाद फिंगरप्रिंट स्पीड आपको कैसा देखने को मिल जाएगा फिलहाल यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस देखिए फिंगरप्रिंट यहाँ पे स्पीड ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट में इतना ज्यादा आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे जस्ट टच करने के बाद ही यहाँ पे स्क्रीन ऑन हो जा रहा है, तो फिंगरप्रिंट में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा इस अपडेट को करने के बाद। और गाइस फेस अनलॉक भी थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं, फेस अनलॉक कितना फास्ट है इस अपडेट को करने के बाद। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए, तो देखिए मेरा फेस यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही फास्टली यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको करने के बाद बैटरी परफॉर्मेंस आपको कैसा देखने को मिल जाएगा वो भी फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए रियलमी वाई 3.0 अपडेट के बाद बैटरी ड्रेन का इतना ज्यादा आपको इशू देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर भी देखिए गाइस बैटरी बैकअप भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा इस अपडेट को करने के बाद। तो गाइस बहुत ही जल्द इसका फुल बैटरी बैकअप टेस्ट भी आने वाला है, आप चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब करके रखना। उसके बाद दोस्तों देखिए जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है उसका भी टेस्ट बहुत ही जल्द मेरे चैनल में आने वाला है। आप यहाँ पे देखिए डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो बहुत ही जल्द बीजीएमआई टेस्ट भी आने वाला है। तो आप जरूर जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में आने वाला है रियलमी 7 प्रो डिवाइस के रिगार्डिंग। इसको करने के बाद आपको न्यू फंक्शन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये ओनली फॉर बग फिक्स अपडेट है और एक बीटा अपडेट है। बीटा अपडेट में आपको बग फिक्स अपडेट ही देखने को मिलता है, न्यू फंक्शन आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जो न्यू फंक्शन आएगा उस स्टेबल अपडेट में धीरे धीरे आएगा, तो न्यू फंक्शन आपको इस अपडेट के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। रियलमी 7 प्रो डिवाइस में कुछ छोटा मोटा बग था उसको अभी फिक्स किया जा रहा है। तो गाइस अगर आपका डिवाइस में अपडेट आपको रिसीव हो गया है तो अपडेट आप कर सकते हो इस अपडेट को करने के बाद, मुझे और कुछ बग देखने को तो नहीं मिला है। तो गाइस अगर आपको कुछ बग मिल जाता है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नया तो चैनल को आप मस्ट भी सब्सक्राइब करके रखना। तो यार मिलते हैं और अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद। We'll be right back.